देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। उत्तर में तुम हिमालय हो, हिम से बहती गंगा हो, जन्नत हो कश्मीर जैसा अद्भुत अखंड नालंदा हो। हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भगत सिंह सुखदेव बनूं, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भगत सिंह सुखदेव बनूं, वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो। यही दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम आपस में कितने भी मतभेद कर ले, लेकिन अगर बात देश की आती है ना तो हम एकजुट हो जाते हैं। और फिर हम हिंदू मुस्लिम ना ही सिख ना ईसाई, कोई कुछ नहीं दिखता हमें, हमें सिर्फ अपना हिंदुस्तान दिखता है। तो हमें सिर्फ हिंदुस्तान दिखता है। आज कोई इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे तो नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि मैं या मेरे जैसे कई लोग ये जरूर मानते होंगे कि पेट्रियोटिज्म शो करने के लिए कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती। ये हमारे दिल में होता है, हमारे खून में होता है, जो हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा कभी फूट के निकल सकता है। आज की इस वीडियो में हम अपने देश के तिरंगे की बात करेंगे, इंडियन फ्लैग जो कि आज के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग इतनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आखिर उस रिस्पेक्ट का कारण क्या है, क्या हिस्ट्री रही है इसकी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इंडियन नेशनल फ्लैग ऑरिजिनल रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें तीन कलर्स होते हैं, इंडियन सेवरन व्हाइट एंड इंडियन ग्रीन। सेंटर में 24 फुट ब्रीज होता है जिसे हम अशोका चक्र भी कहते हैं। ये नेवी ब्लू कलर में होता है जो कि सेंटर में प्लेस होता है। 22 जुलाई 1947 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली में से प्रेजेंट फॉर्म में ही अडॉप्ट किया गया था, जो अभी है किसी फॉर्म में उसको हमेशा के लिए मान्यता दी गई। ये फ्लैग स्वराज फ्लैग के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब सिमिलर ही है। और आगे बात करेंगे स्वराज फ्लैग क्या था, कैसा दिखता था। स्वराज फ्लैग को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। टॉक के हिसाब से फ्लैग जो है वो खादी कपड़े से बना होता है। ये स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है सिल्क का, जो कि महात्मा गांधी ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था, हाथों से फ्लैग को बनाया था। मतलब हाथों से ही हम कपड़े बनाते थे पहले। इंडियन फ्लैग मैन्युफैक्चर करने की इजाजत सबको नहीं होती। पहले ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास ही परमिशन थे। 2009 से ये सारे ही राइट्स नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास है। फ्लैग के यूजेस के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल बनाए हैं। इस रूल को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले जो रूल था वो प्राइवेट सिटीजन के लिए नहीं था, मतलब फ्लैग को प्राइवेट सिटीजन यूज नहीं कर सकते थे, मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के लिए ही उसको बाहर यूज किया जाता था। देन 2002 में नवीन जिंदल ने कोर्ट में केस किया ताकि प्राइवेट सिटीजन जो है वो भी फ्लैग का यूज कर सके। फिर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया गवर्नमेंट को, फिर उन्होंने लॉ में चेंजेस किए और फिर वो प्राइवेट सिटीजन के लिए भी फ्री हो गया, अब हम भी यूज कर सकते हैं जैसे आज हम करते हैं। डिजाइन की बात करते हैं, कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से फ्लैग का जो हाइट और विड्थ है उसका रेशियो 3:2 होना चाहिए। तीनों हॉरिजॉन्टल जो कलर्स के बैंड है सेफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन, ये सारे ही इक्वल साइज में होने चाहिए, एक इक्वल लेंथ में होने चाहिए। और जो अशोका चक्र है उसमें 24 स्पोक्स होने चाहिए व्हील के अंदर, एंड ये नेवी ब्लू कलर का होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में तो अशोका चक्र का साइज का मेंशन नहीं है, मतलब कोई साइज फिक्स नहीं है इसके लिए। यहाँ मैं एक टेबल अटैच कर रहा हूँ, इस टेबल को देखकर आप समझ सकते हो कि इंडियन नेशनल फ्लैग का जो साइजेस है वो कैसे मेजर होते हैं, जो कुछ मेजरमेंट दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ही फ्लैग बनते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें मेनली तीन ही कलर्स होते हैं, इंडियन सैफ्रन व्हाइट एंड इंडियन ग्रीन, एंड बीच में अशोका चक्र जिसमें नेवी ब्लू कलर होता है। मैं आप एक और पैरामीटर अटैच कर रहा हूँ जिससे आप देखकर समझ सकते हो कि कौन कौन से कलर किस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। सिम्बोलिज्म, महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक फ्लैग का प्रस्ताव दिया था। इस फ्लैग को पिंगली वेंकैया ने ही डिजाइन किया था और इसमें पहले अशोका चक्र की जगह स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, यानी कि चरखा। हमें ये दर्शाता था कि इंडिया जो है, यानी भारतीय जो है वो सेल्फ रिलायंट है, वो खुद के कपड़े खुद ही बना सकते हैं। इस फ्लैग में सिर्फ दो ही कलर होते थे, रेड एंड ग्रीन। रेड जो है हिंदूज के लिए एंड ग्रीन जो है वो मुस्लिम्स के लिए। चरखा सेंटर में हुआ करता था, बाद में इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया एंड रेड स्ट्रिप की जगह सैफ्रन ऐड कर दिया गया, एंड व्हाइट को भी सेंटर में इंक्लूड किया गया, जिसका मतलब था कि जो बाकी कम्युनिटीज है वो भी एग्जिस्टेंस करती है, उसकी भी एग्जिस्टेंस है, एंड ग्रीन को ग्रीन ही रहने दिया। बीच में चरखा यूज किया गया। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको एक रिलीजियस के बेस पे इसको डिवाइड किया जाए, इसको बनाया जाए। बाद में इस कलर्स के मीनिंग को चेंज किया गया, सैफ्रन फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन फॉर फेथ। 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ने डिसाइड किया कि इंडियन नेशनल फ्लैग को सारी पार्टी सारी कम्युनिटीज एक्सेप्ट करे, इसलिए उन्होंने स्वराज फ्लैग में मॉडिफिकेशन करते हुए तीनों फ्लैग के कलर सेम रखते हुए अशोका चक्र को प्लेस किया इंस्टेड ऑफ चरखा, चरखा को रिप्लेस कर दिया गया। अशोका चक्र रिप्रेजेंट इंटरनल व्हील ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया का फ्लैग बहुत, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पहले काफी राजाओं ने काफी तरह के झंडे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए। 1857 की रिवॉल्ट के बाद वन फ्लैग का आइडिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने ही दिया था। फर्स्ट फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था, ये फ्लैग वेस्टर्न हेरल्डिक स्टैंडर्ड पर बेस्ड था जैसे बाकी ब्रिटिश कॉलोनीज का था, इंक्लूडिंग कनाडा एंड साउथ अफ्रीका का। इस फ्लैग में रेड कलर के साथ अपर लेफ्ट में क्वाड्रेंट शेप में यूनियन जैक और एक सेंटर में राइट में एक स्टार बना हुआ था, इस स्टार को स्टार इंडिया भी कहते हैं। सेकंड फ्लैग 1904 एंग्लो इंडियंस कहते हुए प्रपोज किया गया। इस फ्लैग में डार्क ब्लू हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ग्रीन बैंड मुस्लिम को, एंड लाइट ब्लू बैंड
क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता था। वर्टिकल पर्पल बैंड जो लेफ्ट साइड में है, सेंटर पर स्टार्स हैं एंड दिस रिप्रेजेंट प्रोविंसेस एंड स्टेट्स, एंड जो बाहर रेड लाइन सराउंडेड है यहाँ पे ब्रिटिश रूल का शासन है, इसलिए रेड लाइन को शो किया गया। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद हमें एक और झंडे की आवश्यकता होने लगी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शो करे, इसको कैलकुटा फ्लैग भी बोलते हैं। इसे भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 में डिजाइन किया था। देन 1909 में इंडिया का फ्लैग फिर से चेंज हो गया, आया इंडियन होम रूल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसे एनी बसंत एंड गोपाल गंगाधर तिलक ने भी अडॉप्ट किया था। 1921 महात्मा गांधी जी ने एक फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस की मीटिंग में। इसमें ऊपर में ग्रीन बैंड एंड नीचे में रेड बैंड, ग्रीन बैंड विच शोस मुस्लिम्स एंड रेड बैंड विच शोस हिंदूस, एंड बीच में चरखा था। इसके बाद 1931 में पहली बार स्वराज फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, सैफ्रन कलर, व्हाइट कलर एंड सेंटर, एंड ग्रीन कलर जो लास्ट में था, व्हाइट कलर के ऊपर सेंटर में चरखा। 1947 में माउंटबेटन ने एक और फ्लैग को प्रपोज किया, स्वराज फ्लैग के ऊपर यूनियन जैक, एंड इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैक कर दिया था, कैंसिल कर दिया। 14 जुलाई 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में लैंग्वेज मॉडिफिकेशन की बात चल रही थी और उन्हें कुछ इसमें चेंजेस करने की बात करी, और चरखा को पूरे देश करके अशोक चक्र लगाया गया। तब से आज तक यही हमारा नेशनल प्लान, यही हमारा तिरंगा हो गया। ये थी दोस्तों हमारे तिरंगे की अनोखी कहानी। इस तिरंगे को भारत के तिरंगे बनाने में जो कुर्बानियाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने दी है, उसको हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और जो आज भी इस तिरंगे की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको मेरा सैल्यूट है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश है, अगर आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई भी तिरंगा खरीदते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें। अक्सर देखा गया कि 16 अगस्त 27 जनवरी को हमारा झंडा रोड पर नालियों में गिरा हुआ फटा हुआ पाया जाता है। कृपया करके अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो उसे खरीदे भी मत, आप इससे भी देश की सेवा ही करोगे। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए बटन को दबाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।